नमस्ते, आमे आलोचना करूथिले रास्ता सबु बंद एकांकिका एवं एकांकिकाकार हेउछंती डॉक्टर रमेश प्रसाद पाणिग्राही। जेतिकी पर्यंत ए आलोचना हेइथिला से भितरे आमे देखीचे ए नाटकर एकांकिकार मुख्य चरित्र मधु त्रिपाठी से स्वाधीनता प्राप्ति परे हिमालय को चली जाइछंती साधना करिबा पई तपस्या करिबा पई एवं तार 40 वर्ष परे जेतेबेले फेरी आसीछंती से देखुछंती जो भारत वर्षर पई से माने स्वाधीनता करूथिले जो भारत वर्षर स्वप्न से माने देखी थिले ताहा फलवती हेई नहीं। तेणु से चाहिछंती एक नूतन भारतवर्ष निर्माण करिवे। तेणु तथाकथित राजनीतिक जो नेता नेतृत्व आड़कु से मन बळई नहंती क्षमतार चक्रव्यूहरु क्षमतार राजनीतिरु दूररे रही से चाहिछंती मनीष तैयारी करिवे एवं शिक्षा दान करिवे धर्म चर्चा करिवे योग अभ्यास करिवे एवं सेई क्रम रे एकांकिका द्वंद मुखर हेबाकु आरंभ करिछि एक निर्दिष्ट प्रांतर जेउठी एई मधु त्रिपाठींकु स्वागत संवर्धना देबार आयोजन करा हेछि। सेठिकार नेता माने मंत्री माने चाहिछंती कर्णाटकर एक रबर कंपानी को फैक्ट्री करिबा पई ताहा दान करिवे एवं सेथि पई से कंपानी पार्टी को एई राज्यर नेता मंत्री मानंकु माने केते कोटी टंका से देई सारी जी। तेणु गोटाए रकमर स्थिर निश्चित हेछि एई अव्यवहृत प्रांतर बा पड़ियाटी से कंपनी तार इंडस्ट्री करिवो रबर इंडस्ट्री। किंतु मधु त्रिपाठी मझीरे आसी कहिछंती एई पड़िया रे निजस्व उद्यम रे से आश्रम तियारीबे एवं आश्रमर अर्थ होउची एक उच्चतर सत्य उपलब्धि पई श्रृंखलित अनुशासित जीवन। तेबे सेई आश्रम तियारी पई से कोनोसी नेता मंत्री मानंकर साहाज्य न नेई निजे निजर तथा कथित अनुचर एवं जो माने तांको भलो पाउछंती सेमिति तांकर शिष्य कुआ जाई पारिबो से माननको सहाय्य रे जेतेबेले निय खोडीबा आरंभ होईची सेठु कंकाळ सबु बाहरी छंती एवं सेई कंकाळरु गोटाए कंकाळ होउची जणे युवकर एवं तार नाम होउची अमर राय बोली जहार घर होउची ओडिसार बालेश्वर जिल्ला रे। मधु त्रिपाठी तांकु आविष्कार करिसंती से कहउछंती ये आजाद हिंद फौज रो जणे सेनानी थिले जदियो से शब्द प्रयोग करिसंती संत्रासवादी हिसाब रे तेणु जणे विप्लवी संग्रामी हिसाब रे तांकु से जेते बेले चिन्हु छंती से किंतु कहउ छंती हेई पारे से जन्मरे से विप्लवी थाई पारंती किंतु स्वाधीनता परवर्ती समय रे जो लोकटी को जो तरुण को आमे आविष्कार करिचे एमाने संपूर्ण भावरे आत्मकामी आउ उदासीन एमाने टसर पक भलिया एक निजर खोलपा भितरे निजकु बंद करी बंचीवाकु चाहंती निश्चिंत रे जहाकु से कहउछंती रिपीटेडली मु शांति रे रहिबाकु चाहे जोथि पई तांकर बेसी सांग साथी बंधु परिजन नथांती। अमर राय सेथि पई सिनेमा देखिबाकु जाएनी क्लब कु जाएनी क्रिकेट कि फुटबॉल खेल मेला महोत्सव ए सबुरे से शामिल हुए नाही। तेबे सेई शांति खोजिबार घटना चक्र रे
से गोटे सहर रे चाकरी करुची, भड़ा घरे रहुची एवं सहर रे कर्फ्यू हेची। जो होटल रे से खाऊथिला से होटल मालिक होटल भांगी दिया जाइची, तेणु से चाउल आणिकी तार घरे माने ई अमर राय घरे रखी देची। एवं ता पूर्वरु आमे ए दृश्य मध्य देखीचे जे अमर राय जेतेबेले निरुदिष्ट हेची तार मा आसी थाना रे कहिची, अभिजोग करिची जे तार एकमात्र पुओ निरुदिष्ट एवं से असहाय विधवा माटिए, तार खोजिबा को संबल नाही। खोजी खोजी बेसिरु से बालेश्वर रु कटक भुवनेश्वर पर्यंत आसीची एवं तत्कालीन पुलिस मानंक द्वारा से तिरस्कृत हेची, उपेक्षित हेची, तार हारी गुहारी से माने सुनी नहंती। तबे सेही फ्लैशबैक रे जेते बेले सहर रे कर्फ्यू हेची एवं से होटल मालिक से दिनर खाइबा आनी देची एवं कहिची जे एई चाउल बस्ताटा एठी रखी दउची, आवश्यक हेले कामरे लगेइबे, ताको रोसई करी खाइबे, गोटे लोक मध्य प्रत्येक दिन आसी रोसई करी देबो, एमिती एक प्रतिश्रुति देची। एवं आमे देखुचे जे अमर राय एक तथा कथित भावरे सरल विश्वासी किंतु शांति खोजुची, तेणु जेते बेले से चाउल रखिकी से जागा छाड़िकी चली जाइछंती, किछि समय परे से आसीछंती से जागा कु आउ जणे लोक, से युवक कहउछंती जे सॉरी, से जेते बेले चाउल रखी देकी चली जाइछंती, किछि समय परे से लोक कहउछंती जे लोक पहुंची जी किए आज्ञा ना कौन दरकार, से लोक कहू सार ए जो बस्ताटा रखिले केते पैसा देले, सेठ कहते अमर कहू मु तो जानी सी तक रखी देकी गले ना सेटा मत बिकु ना, से अपरिचित लोक कह डबल पैसा देवी। अरे एमती अबाक ही चाहती कौन से लोकटे कहूँ माने से जो चाउल आनी रखीदेला, सेठ अमर कहे मुँह कहीं डबल पैसा देवी, माने एक्चुअली नेबी हेबा कथा ना समस्ते नौचंदी आपण भी नेबे, माने से जो चाउलटा रखी देची कर्फ्यू समय लोक माने खाइबा को पीबा को पाइबे नहीं। देखिबा को गले आमे या पूर्व दृश्य रे होटल मालिकर सहृदयता बा बदान्यता को देखिबार आशा करिबा, किंतु घटना होची भिन्न। तेबे एई जो अपरिचित लोक आसिकी अमर को कहिची जे आपण डबल पैसा नियंतु किंतु से बस्ता दियंतु, सेठू अमर कह दीजी जे बेसी बाजे कथा अर्थहीन कथा कहवा दरकार नहीं, आपण चली जातु मु टिके शांति रे रहिबा को चाहे, तेणु प्रत्येक मुहूर्त रे कौनसी कथा उपरे बेसी सीरियस न होई कि से उदासीन वास्तविक जदि कहिबा आमे तटस्थ होई कि रहिबा को चाहे, कौनसी समस्या कौनसी घटना चक्र भीतर को जीवा को से चाहंती नै, तेणु लोकटा पुणी कहुची काहीकि मिछटार रागुछंती आज्ञा, समस्तंकर एई दुई नंबर व्यवसाय अछि, आपणकर भी थिबा उचित, चाकिरीरु कौन मिलिब सेथिपई आजिकालि समस्ते करंती। तेणु सेई जो लोकटी आसीछि अपरिचित अमर को कहुची जे ए समुदाय भारतवर्षरे, कारण ए नाटक होउची मुख्यतः एक पॉलिटिकल साटायर गोटे इंगित, एवं ए साधारण लोकर विचार रे एठी जेते लोक अछंती 99% लोक होउछंती बेईमान, 99% लोक होउछंती कलाबजारी करूथिबा लोक, अपराध करूथिबा लोक, तेणु से कहउछी समस्ते करूछंती किछि असुविधा नै, तेणु मोर कोनोसी ए बाबदरे ए कथा मध्ये मु जानिजी जे आपण जो चाकरी करूछंती से चाकरी रे आपण चली पारिबे नहीं, बा जणे लोक चली पारिबो नहीं ना, समस्ते करंती किए करंती, सेठ लोकटा ता परे जाई कि कहूची एई चोरा गंजेई आउ चोरस कारबार किए न करे सार, तापरे से लोकटा कहि देची भारतवर्षर स्वाधीनता परवर्ती भारतवर्षर निर्दिष्ट चरित्रर मुखा खुली देला भलिया से कहूची जे ओकिल डाक्टर व्यवसायी
कोठा थिबा लोक गाड़ी चढ़ू थिबा लोक समस्ते से ना कहिबिनि बोली कहूँ कारण ना कहिले विपद कथा तार अर्थ एठी स्वाधीनता परवर्ती समय रे एई मादक द्रव्य निषाद रो कला बजारी एई सबु श्रेणी लोक माने करंती बाहर को से माने वकील डाक्टर व्यवसायी बड़ बड़ लोक धनाढ़ लोक कोठा थिबा लोक गाड़ी चढ़ू थिबा लोक किंतु वास्तव रे सेई माने होउछंती एठी एई मद गंजेई ड्रग्स रो कला कारबार करंती सेठु अमर जेहेतु सादा सीधा लोक से कहूँ आपण कौन कहउछंती मु किछि बुझी पारुनी गंजेई चरस कौन से बस्तारे चाउल अछि गोविंद बाबूंकर होटेल रे मु पांच वर्ष हला बाकी खाउची बोली मु से चाउल बस्ताटा रखी देली नहले रखी नथांती तेनु पांच वर्ष चिन्ह एवं से खाली कहि देछि जे एटी चाउल अछि आपण रोसे करि खाइबे मु सेथिरे व्यवसाय करबाकु चाहे ना कि लाभ उठेबाकु चाहे ना सेठु लोकटा पुणी कहउची ताहले बिकिबेनी से बस्ताटा सेठु ये रिपीटेडली कहउची धरंतु बिकिबार कथा आसतिले अधिक टंका देकी से कहुछि मु टिके शांति रे रहिबाकु चाहे बा मु टिके शांति रे मते बंचिबाकु दियंतु सेठु लोकटा सामान्य विरक्त बा उत्त्यक्त होइकि कहुछि बेसी सचट देखै होउछंती नै देखिबा से चोरा गंजेई चरस केमिति बिकिबेनि आपण आपणक भली बहुत साधु संत देखिलिनि कहारि को चिन्हिबाकु बाकी आ नाही कहिकि जेतेबेले से कहुछि ये भी कहूँ हाँ से हेथिबो कि कौन तबे सही समय रे देखा जाऊँ मंच को आसुचंती जने पुलिस तापरे पचारु चंती पुलिस एठी हारुदत्त किए अछंती आज्ञा कहाँ को खोजु चंती अपन हारुदत्त ना मो नाम होची अमर राय बालेश्वर भोगराई होची मोर घर उत्तर बालेश्वर रो एक बड़ जगह तेणु पुलिस कहते ना तुम्हें हूँ से गंजेई चरस चरा कारबार करुवा हारुदत्त मु तुम घर खानतलास करी कहीकि से घर भितर को पशि आसिले ठीक अच्छे एटी से छोट बस्ताटा अच्छी तुम्हें हूँ हारुदत्त कलिकतार चोरा बेपारी अमर कहे ना आपण मैने घर मालिक को पचारतु होटेल वाला गोविंद महांती को पचारतु अफिस पचारतु मोर नाम हूँ अमर राय से कहीदी जो मु हारुदत्त नुहे मुझे अमर राय बोली से प्रमाण आपण पुलिस कहूँ मजिस्ट्रेट कोर्ट्रे देवे बर्तमान थाना को चलतु से लोकटा पुणी अमर कहे दयाकोरी मत टे शांति बचाक दिंतु तेणु साधारण भाव में आम देखिले अमर राय भाया लोक से केवल निजर गोटे निरुपद्रव जीवन चाहती आत्मकामी सुखर जीवन किंतु घटना परिस्थिति चारिआड़े भारत वर्ष को जमिति नष्ट भ्रष्ट कर देछि जमिति भारतर अंतरात्मा रे उई बा घुण चरी गला भलिया अवस्था हेछि ताकु सुधारिबार कोनोसी प्रयत्न नाही जदियो एटारे अधिकांश लोक शिकार किंतु से चाहूछि एथिरु दूरै रही शांति रे रहिबो सेठु जेतेबेले से कहउछंती पुलिस विरक्त हो कहि सर्ट अप थाना को चाल थाना को सेठु अमर कहि मु की अपराध करी पुलिस कहि सेटा पुलिस आगे कहिबे चाल हाजत को एवं तापरे प्रछद पटरे स्वर आसुची ए पृथ्वीटा तो गोटाए हाजत खाना एई विराट हाजत खाना रे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे हजार हजार लोक जन्म होइ मरुछंती से माने जानी पारंती तांकर अपराध कौन कहीं से माने चारिकांथ भितरे बंदी हेई रहंती कारण अन्याय ही एठी न्याय अन्यायर प्रतिकार कर बोली केही कहिबेनी यार विभिन्न रकमर व्याख्या करा जाई पारिबो तेबे गोटिए अर्थ होउची मनीषर लिमिटेशन मनीषर सीमाबद्धता मनीष जो दुख दुर्दिन दुस्सह जंत्रणा भितरे एठी जीवन काटुची से जंत्रणार कारण बृहत्तर समाज एवं समाज होउची संपूर्ण भावरे अवक्षयमाण क्षयिष्णु एठी नीति नैतिकता मूल्यबोध आदर्शर कौनसी मूल्य नाही तेणु
এই যে অমর রায় ভড়িয়া সাধারণ লোকমানে এমানে জানি পারন্তি নাহি যে তাঙ্ক জীবনরে যে মানে শান্তি তথাপি খোঁজুছন্তি এমিতি অঘটন কাহিকি ঘটুছি কাহিকি এমানে জেল কু যাউছন্তি কারণ এমানে কিছু অন্যায় করি নাহান্তি বলি কউছন্তি কিন্তু তলেইকি যদি দেখা যাব এমিতি গোটে রাষ্ট্রে এক সচেতন নাগরিক হিসাবরে বঞ্চিবাকু হেলে অনেক জিনিস সম্পর্কে জানিবাকু পড়িব এবং সেই ঘটনাক্রমরে তার বিরোধরে মধ্য স্বর উত্তোলন করিবাকু পড়িব কিন্তু এটি সে ঘটনা ঘটু নাই তেবে সেই জায়গায় মধু ত্রিপাঠী আসি বসিবে ধরি নিয়া যাও সে বর্তমান বিচারপতি মানে অমর রায়ের বিচার হব অমর কহুছন্তি মু জানে সবু জানে অশান্তি হি এটি শান্তি অন্যায় হি এইটি ন্যায় তোমার ধর্মগ্রন্থ মিথ্যা তোমার মৌলিকতাবাদ মিথ্যা এ কথা বি ভগবান জানন্তি এ পৃথিবীরে মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান বলি কেহি নাহান্তি তোমার আইন মিথ্যা তোমার স্তোত্র বাক্য ধপ্পাবাজি গোটায় গোটায় মুখা এ পৃথিবীরে ধর্মর অবতার বলি কিছি নাই ইয়ে হচ্ছে অমর রায়ের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং কোর্টরে তথাকথিত সমবেত জনতা এবং বিচারপতি ওকিল সমস্তঙ্কু কহুচি যে এটি যাহা কিছি ধর্ম নামরে পরম্পরা সংস্কৃতি নামরে ন্যায় নীতি নাঁরে যাহা কিছি কুহা হয়েছি এমিতিকি ভগবানক নাঁরে এগুড়িক হচ্ছে কেবল ছলনা প্রবঞ্চনা বা হিপোক্রাসি সেটু পুলিশ তার চার্জ লগাইবা পাইঁ কহিছি ধর্মাবতার মানে কোর্টরে জজঙ্কু যেমিতি সম্বোধন করা যায় সেই ক্রমরে কহুছি ইয়ার নাম হারু দত্ত নিবাস কলিকতা পুরী আসি চোরা গঞ্জেই চরস কারবার করুথিলা আউ কহুথিলা শান্তির কপত হই কুয়াড়ে ভারতবর্ষরে উড়ুছি বলি ঠিক সেতিকি বেড়ে আউ জনকু টানি টানি আনুছি পুলিশ দুই নম্বর পুলিশ কহুছি ধর্মাবতার ইয়া না লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এইটা বি শান্তি পাই পৃথিবী সারা বোবাড়ি ছাড়ুথিলা ইয়ার কাম বড়ি যাইছি ধর্মাবতার সেটু মধু ত্রিপাঠী যিয়ে জজ হিসাবরে অভিনয় করছন্তি সেই মুহূর্তরে আশ্চর্য মু কেতে থর কহিলিনি যে শান্তি চাহিবা অপরাধ শান্তি প্রতিষ্ঠা হইগলে পৃথিবীর সবু লোক প্রগতি করি যিবে তাপরে পরস্পরঙ্কর গোড় টণাটণি হেবে বোমা পকাইবাকু ধমক দেবে দেশর একতা নষ্ট হেব সেথিপাই অশান্তি দরকার যুদ্ধ লাগিলে যাই দেশাত্মবোধর গছ উঠিব ইয়ে হচ্ছে গোটিয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র বিচার মধু ত্রিপাঠী মানে যেমিতি আমি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে পড়ুছে যে দেশ পরাধীন যেতবেড়ে হুয়ে স্বাধীনতা পাই হি জাতীয়তাবোধর জাগরণ হুয়ে যদি ভারত ঠারু পাকিস্তান অলগা হয়ে নথান্তা কিংবা চাইনা যদি ভারতবর্ষকু আক্রমণ করি নথান্তা তেবে ভারতর শত্রু দেশ কেউ মানে হইথান্তে বেশিরু বেশি সে গ্রিক আলেকজান্ডার কিংবা ইতিহাসর যদি আমি দেখিবা আক্রমণকারী মানুষ সাময়িক ভাবরে আমি কইথান্তে কিন্তু সাধারণ ভাবরে সে কহুছন্তি যে আমি এই পৃথিবীর তথা কথিত সত্যকু মনিষর ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মন বুঝি পারু নাহি তেণু তার বিচারে মধু ত্রিপাঠীঙ্কর বিচারে সে কহুছন্তি যে শান্তি চাহিবাটা অপরাধ শান্তি প্রতিষ্ঠা হইগলে পৃথিবীর সবু লোক প্রগতি করি যাবে আমি সেমিতি মধ্য চাহুন আমি চাহুছু গোড়া গোড় টণাটণি হুয়ন্তু এবং এইটি বোমা পকা যাও মানে দেশের একতা নষ্ট হয়ে যাব এবং অশান্তি দরকার আমার অন্য দেশ আক্রমণ কলে যাই কি আম দেশের লোক মানক ভিতরে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হব সেটু অমর কৌছন্তি আপন হচ্ছেন কুলবৃদ্ধ নেতা এ জাতির ডঙ্গা চলাউছন্তি আপন এ পৃথিবীকে মন্ত্রবলরে
एकी धरिछंती आपण कहंतु मते टिके शांति रे बंचेबा पई देबे नाही। तेणु गोटाए रकम जदि देखिबा भारतवर्षर समुदाय माने क्षमता संभवत ठुळीभूत हेजी न्याय व्यवस्था उपरे अंततः ता द्वारा ही लोक मानकर विश्वास थिबा कारणरु टिके शांति रे बंचुछंती। तेणु अमर राय भी सही कथाटिए कहूची जे मु टिके शांति रे बंचिबा को चाहूछंती आपण होछंती अमर कुलवृद्ध नेतृत्व नेता ए जातिर डंगा को समुदाय भारत वर्षर स्वाधीनतार परवर्ती भारत वर्षर नेतृत्व वास्तविक कोनोसी राष्ट्रपति किंबा प्रधानमंत्री को पाखरे संभवतः नहीं अधिक अच्छी न्यायाधीश उपरे सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति को पाखरे। तेणु आपण ही जदि चाहिबे आमे समस्ते शांति रे बंची पारिबु। मधु त्रिपाठी सेठु कहउछंती सर्वनाश समुद्रर गर्जन रु किछि बुझी पारु न आकाशर झडरु तमे किछि नीति शिक्षा पाई पारु न शांति पूर्वरु आउ शांति परे परे आमर अशांति दरकार प्रचुर अशांति भीतर हुई शांति मिलिबो। तेणु केही शांति रे केही तेणु केही शांति मागंतु नाही शांति मध्य केही न देबा भलो। तेणु से कही मधु त्रिपाठी कन्विक्शन बा मधु त्रिपाठी विश्वास से कही समुद्र चिरंतन अस्थिर तेणु उद्वेलन दरकार संघर्ष दरकार आकाश प्रत्येक मुहूर्त झड़र सूचना देउची। तेणु से माने विश्व प्रकृति विश्व प्रकृतिर मनीष शिखिबा दरकार जे शांति एठि चिरंतन सत्य नुहे गोटाए पटे अशांति हेले जाई कि अन्य कोनोसी पटे शांति हेबो। तेणु प्रचुर अशांति भीतर हुई आमको शांति मिलिबो। तेणु अशांति लागी रहु आपण आउ शांति आमको मागंतु नाही शांति केही न देबा मध्य भलो बोली मधु त्रिपाठी जेतेबेले कहिसंती सेतेबेले अमर अत्यंत क्रोधान्वित बा उत्क्षिप्त होई कि रागी जाई कि कहउछंती यू बास्टर्ड तुम्हें जार जो बोली से कहते मु तोर दाढ़ी उपाड़ी देवी तते किए जज कला बे माने अत्यंत क्रोधान्वित है कि कहती तू सड़ा तो आश्रम करी रहिबा लोक तते किए जज कला एठी आश्रम करी रहिबार लोक अर्थ होची जंगल भितरे गुंफारे जड़े सन्यासी व्यक्तिगत मोक्ष मुक्ति पाई तपस्या करिबा दरकार गोटे समाज को सुधारिबा समाज रो नेतृत्व नेबार अधिकार आश्रम रो लोकर नाही सेई क्रम रे से कहउची अमर रो जो ये प्रतिक्रिया सेठु पुलिस कहउची ए हारु दत्त एवं सेई समय रे अमर मधु ऊपर को झांपी पड़िबो माने न्याय व्यवस्था मधु त्रिपाठी जे प्रतिनिधित्व करुची ता ऊपर को आक्रमण करबा को उद्यत हेबो फ्रीज हे जिवे। पुलिस अमर को माड़ी जाई तंटी चिपी पिस्तल देखेइबे माने आउ जने पुलिस मध्य सेमिति ए चारि जण गोटिए टेबुल रे फ्रीज हेई रहिबे प्रवेश करिबे नेता आउ से कर्नाटक रो रबर कंपनीर मालिक सेठु नेता कहउछंती नथिंग टू वरी आपण व्यस्त हेबार कोनोसी कारण नाही आ वर्तमान आपण एठी रबर कंपनी करि पारंती सेठु रबर कंपनी मालिक कहउछंती जे एठी माने शांति आश्रम करुछंती बोली जेमिति सुनिली मोर तो ब्लड प्रेशर बढ़ी गला सर सेठु एक नंबर नेता हसी की हसी तो नुहे माने उपहास करिकी कहउछंती हा एई देखंतु पड़िया मझीरे आमे समस्तंकु स्टैचू करै दैछु स्टैचूर अर्थ होची गतिहीन निष्प्राण माने संपूर्ण भावरे मेसिन बोली आमे कहि परिबा आमे सेमानंकु स्टैचू करि दैछु यार चारिपटे आपण काश्मीर उपत्यकारु घास आणी लगेई दियंतु चंडीगढ़ रु अमृतसर रु किछि 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 नाली गोलाप आणी फुटेई दियंतु ए स्टैचू पछपटे ऑफिस हबो ता पछकु कारखाना केमिति माने गोटाए रकमर आर्किटेक्ट डिजाइन से रबर फैक्ट्री संपर्क रे नेता कहउछंती तापरे एक्सक्यूज मी से कहउछंती मु आर्किटेक्ट नुहे किंतु एक्सपीरियंस अछि अपन यूनिवर्सिटी को मु थरे आर्किटेक्चर पढ़ेबा को जाई थिले मिस्टर आपण को नाटा कौन सेठ रबर कंपनी मालिक जी आसंती नेवर माइंड ताहले एठी कारखाना हबो माने जो फैक्ट्री हबो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच
ଆଉ କେହି ଆସି ହଇରାଣ କରିବେନି ତ 750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାର୍ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ ସେଠୁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଆସିପାରିବେନି ଏଇଠି ପଛ ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ ଆଗରେ ବି ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ବାରବେଡ୍ ୱେୟାର୍ରେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ ପୁରା ପାଚେରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଓକେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଏଇ ନାଟକ ସରିଛି ତେବେ ଆଗରେ ପଛରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପଟେ ଭାରତବର୍ଷର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପପତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୋଟାଏ ରକମର ସମର୍ପି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ତେଣୁ ଏଇ ନାଟକରେ ଯାହା କିଛି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା ଯେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନାଟକ ଏବଂ ଏଇ ନାଟକଟି ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ କିମ୍ବା ପ୍ରସିନିୟମ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅଭିନୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ବିକାଶ ପରିଣତି ସେମିତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଅଭିନେତା ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କହିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରୁ ଏଇ ଅଭିନେତା ବା ଚରିତ୍ର ସବୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ମଣିଷ ଓ ତାଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟର ଚିତ୍ର ଏଇ ନାଟକଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଣେ ରାଜନୀତିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ତୋରଣ ତିଆରୁଛି କୌଣସି ବଡ଼ ମିଟିଂ ପାଇଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ କେବେ ନେତା ହେବ ହାତରେ ତାର କ୍ଷମତା ରହିବ ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବ ବା ଶୋଷଣ କରିବ ସେବା କରିବାର ମାନସିକତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ରାଜନୀତିକ ଅବକ୍ଷୟର ଚିତ୍ର ହିଁ ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ରାଜନୀତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ତୋରଣ ପତିବା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାପରେ ଏଇ ରକମର କାମରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେବ ସେକେଣ୍ଡ କାମଟି ହେଉଛି ଭୋଜିଭାତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାପରେ ହେଇକି MLA ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ନମ୍ବର ଏକଙ୍କର ଭାଷଣ ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ସେ ହେଲେ ଏ ଦେଶର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ଶାସନ କ୍ଷମତା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହିମାଳୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମାନେ ସାଧାରଣ ଏ ଦେଶର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଚାଟୁକାରିତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ମଣିଷକୁ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଚାଟୁକାର ମଣିଷର ଚାଟୁକ୍ତି ବିଦ୍ରୁପ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନେତା
मधु त्रिपाठी चरित्र को नहीं प्रथम पर्याय नाट्य जीवन बा नाटक गति और द्वंद्व सृष्टि करी क्षमता को से घृणा करती बोली भाषण देउथिले मध्य सेठी राजनैतिक श्लेष बा पॉलिटिकल साटायर ही सृष्टि है। नेता नंबर एक और नेता नंबर दुईंकर माध्यम रे चाटुक्ति करा जाई मधु त्रिपाठी राजनीति को आसीबा को चाहू नथिले कि चाटुकार कुजी नेता माने तांकू खसामत करंतु से कथा मध्य से चाहि नांदी तेबे एई रास्ता सबु बंद नाटक रे जो राजनीतिक व्यंग सहित व्यवसायी किपरी राजनीति को नियंत्रण करुछंती ताहा नाट्यकार प्रदर्शन करिछंती। आश्रम प्रतिष्ठा नामरे हरिलुट प्रसंगर अवतारणा मध्य करा जाइछि। कंट्राक्टरंकर अर्थ आत्मसातर सूचना मध्य दिया जाइछि। मधु त्रिपाठी चरित्र माध्यमरे राजनीतिक स्वच्छता प्रकाश पाउथिबा बेले चतुष्पार्श्वरे घेरी रहिछि विभिन्न रकमर प्रतिबंधक। नूतन आश्रम प्रतिष्ठार आयोजन घटिछि जेउठी मधु त्रिपाठीर संकल्प होउछि नृत्य गीत तंत्र मंत्र शिक्षा दिया जिवार स्वप्न और सुजोगर कथा एवं सेही क्रमरे आश्रमर भूमि पूजा हेची भित्ति खड़ा हेची फाउंडेशन निय खड़ा हेची सेथिरु बाहरी कंकाल भूत बोली समस्ते डरी जाइछंती। आश्रमर नाम रहिची शांति आश्रम। पुनी ख्रिस्टियान मानंकर द्वारा जॉनसन कंपनीर रबर कारखाना कथा मध्य रहिची दंगा प्रसंग मध्य उठिची पुलिस रो जुलुम मिथ्या केस कार्यरे अवहेलार चित्र मध्य दिया जाइछि। अन्य पक्षरे युवक युवतींकर आजिकालीर जीवन चित्र मध्य रूप पाइछि एकांकिकारे। पुणी साधारण मनीषर समस्या तथा असुविधा नाटकरे नाट्यकार खूब संक्षेपरे हेले मध्य कलात्मक भावरे उपस्थापन करिछंती। चरा गंजेई कारबार बा ड्रग्स कारबार आदि जीवंत चित्र तथा देशी बदलरे माने देशी अर्थ होची आश्रम जीवन बदलरे जो कारखाना प्रतिष्ठा पाई नेता मानंकर चंचकता प्रवंचना से कथा मध्य खूब चमत्कार भावरे प्रदर्शन करी अमर स्वाधीनता परवर्ती भारत वर्षर एक विकलांग मन मानसिकता को प्रदर्शन करा जाइछि। तेबे मोटामोटी भावरे आमे जदि एकांकिकारु बुझिबाकु चेष्टा करिबा स्वाधीनता परवर्ती भारत वर्ष होउछि एमिति व्यवसायी ओ भ्रष्ट नेता मानंकर नियंत्रण रे थिबा भारत वर्ष एठी जाबतीय रकमर प्रवंचना कला बजारी अन्याय अनीति को से माने नीति हिसाब रे आमो आखिरे पूरा संपूर्ण कौन कहिबा आमो को सम्मोहित करी की आमो आखिरे से माने जादू करी की आमो को अधिक अवसाद ग्रस्त करी की रखी चंती अधिक असहाय करी की रखी चंती पराधीन करी की रखी चंती एवं यथार्थ भारतर विकास प्रगति कदापि संभव है पारिबो नहीं कारण यथार्थरे रास्ता बंद कर दिया है जी एठी गोटाए पटे रास्ता बंद करी चंती व्यवसायी माने एवं अन्य पटे रास्ता बंद करी चंती अमर नेतृमंडली कारण सबु क्षमता ठूल होइछि नेता मानंक पाखरे आउ जो मझीरे रही जाउछंती असहाय दरिद्र शांतिकामी लोक अमर राय भलिया चरित्र से संपूर्ण भावरे उदासीन आत्मकामी तेनु ए देशर प्रगति एमिति जनसाधारणंक द्वारा कदापि संभव हेबो नाही।
ଏଠି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସାଧକ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ତଥାପି ରହିଛି। ହୁଏତ କେଉଁ କଙ୍କାଳ ପୁଣି ବାହାରିବ କି କେଉଁ ଚରିତ୍ର ପୁଣି ସେଇ ହିମାଳୟ ଭିତରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ ବାଟ ଯାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ନୂଆ ବାଟ ତିଆରିବେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।